गुड मॉर्निंग पेरेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर दीप्ति रावल। बच्चों, पिछले सेशन में हमने सीखा था अ की मात्रा, जैसे कि स्वर में अ की मात्रा, तो उसके बाद आता है आ। तो आज हम सीखेंगे आ की मात्रा। तो बच्चों, आ की मात्रा को हम वर्ण में जोड़ते हैं क से श्र तक, तो उसका उच्चारण कैसे होता है और उसको लिखा कैसे जाता है वो सीखेंगे। बच्चों देखो, ये है आ। हमने स्वर में अ आ ई ये सब सीखा है, तो ये जो स्वर होते हैं उसकी मात्रा हम वर्ण में लगाते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि ये देखो, जैसे कि ये अ है और उसके बाजू में ये लाइन है, तो बन गया आ। और आ की मात्रा जब हम अक्षर में लगाएंगे कोई भी, तो ऐसे स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे तो बन जाएगी आ की मात्रा। तो चलो बच्चों, ये जो आ की मात्रा है वो हम सारे अक्षर के साथ लगाएंगे तो कैसे बनता है वो अभी सीखते हैं। देखो, आ की मात्रा, ये है आ की मात्रा, ये है क, क प्लस ये है आ की मात्रा। तो ये आ की मात्रा जो है वो क के साथ हम लिखेंगे तो बन जाएगा का। जैसे आ होता है वैसे का, ऐसे ही ख, ख प्लस आ की मात्रा, ख में आ की मात्रा जोड़ेंगे तो बन जाएगा खा। ख प्लस आ की मात्रा खा, ग प्लस आ की मात्रा, ग में आ की मात्रा जोड़ेंगे तो बन जाएगा गा। ग प्लस आ की मात्रा गा, घ प्लस आ की मात्रा घा, घ प्लस आ की मात्रा तो बन गया घा। आगे च, च प्लस आ की मात्रा चा, च प्लस आ की मात्रा तो बनता है चा। ऐसे ही च के बाद आता है छ, तो छ प्लस आ की मात्रा तो बन गया छा। छ प्लस आ की मात्रा बन गया छा। ऐसे ही झ, तो झ प्लस आ की मात्रा, झ में आ की मात्रा जोड़ दी तो बन गया झा। ज, ज प्लस आ की मात्रा बन गया जा। तो बच्चों देखो, ऐसे ज तक हमने सीखा कि आ की मात्रा जोड़ को मिलाएंगे तो वर्ण को उच्चारण कैसे होता है। तो अब हम पूरे क से लेके श्र तक आ की मात्रा को जोड़कर कैसे बोलते हैं वो सीख लेते हैं। का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, जा, टा, ठा, ये है डा, डा, अणा, ता, था, दा, दा, ना, पा, फा। जो आप समझ रहे हो ना कि आ की मात्रा को वर्ण में जोड़ने के बाद उसका उच्चारण कैसे हो रहा है, तो ऐसे ही हम आगे देखते हैं। देखो, ब, उसमें आ की मात्रा बा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा, क्षा, त्रा, ग्या और श्रा। बच्चों, तो जो अभी मैंने आपको सिखाया वैसे ही ये आ की मात्रा पूरे क से लेके श्र तक,
तो का से श्रा तक आपको जो होमवर्क मिलेगा वो वर्कशीट में लिखा होगा, वो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में देखकर लिखना है। ये का से लेके श्रा तक एक बार आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। और ये है प्रश्न नंबर दो, ये आपको होमवर्क में वर्कशीट जो मिलेगी, ये प्रश्न नंबर दो है, वो भी आपको ऐसे का से लेके श्रा तक अपनी हिंदी की नोटबुक में एक बार लिखना है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आज जो सीखा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर से मिलेंगे, बाय बच्चों।